बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मटन टिक्के की रेसिपी बताते हैं। 1.5 किलो हमने मटन का गोश्त लिया है, इस तरीके से हमने बोटी काट ली है 1.5 किलो गोश्त की। बोनलेस गोश्त है बगैर हड्डी के, और ये हमारे मसाले हैं टिक्के के, जिसके अंदर 2 चम्मच अजवाइन पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक 1.5 चम्मच है हसबे जायका, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच पिसा हुआ जीरा, जीरे को हमने पीस लिया था, 1/2 चम्मच कचरी पाउडर और जी 1 चम्मच वाइट मिर्च और 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये हमारे मसाले हैं। थोड़ी सी दही ली हमने, 1 पाव से कम। इस दही के अंदर ये सारे मसाले डालेंगे। 2 अदर लेमन है लीमू, सिरका, सोया सॉस और चिल्ली सॉस, ये हमने इसके अंदर डालना है और ये मसाले को हल करना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये। सिरका डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर, और ये थोड़ा सा सोया सॉस डाल देंगे, ज़रा टेस्ट अच्छा हो जाएगा इसका, और ये चिल्ली सॉस। दो अदर लेमन है, इसको हमने मिक्स करना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, और माशाल्लाह आप चिकन में बनाए, मटन में बनाए, बीफ में बनाए, जिस मर्जी में टिक्का बनाए, बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार टिक्का बनेगा। 2 चम्मच ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी इसके अंदर डालेंगे। हमने सिरका डाला है, आपके पास लेमन हो तो लेमन डाल दें, लीमू सिरका डालना चाहे सिरका डाल लें, लीमू भी अच्छा टेस्ट देता है और सिरका भी अच्छा टेस्ट देता है। अच्छा, फूड कलर आप डालना चाहें डाल सकते हैं इसके अंदर, मतलब कलर खूबसूरत हो जाता है टिक्के का, गोल्डन गोल्डन शेड आएगी इसकी। मसाला तैयार हो गया, अब हमने इसके अंदर लेमन डालना है। लेमन के बाद अब हमने इसके अंदर जो मटन का गोश्त है उसको इसके अंदर रख देंगे, 4 से 5 घंटे तक इसके अंदर रहेगा, उसके बाद हम इसका टिक्का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेढ़ किलो गोश्त है हमारा मटन का, अब इसके अंदर इसको 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि मसाला अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो जाए, और फिर हम इसका टिक्का लगाएंगे। बहुत मज़े का टिक्का बनेगा ये, आप लोग एक बार ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बाकी फ्राई करेंगे हम, बारबेक्यू करेंगे सीखों पर लगा कर इसको। अभी 4 से 5 घंटे के लिए इसको हमने रख देना है। टिक्का मसाला मिनटों में तैयार हो गया, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और मसाले भी आपके अपने घर के, कोई बाजार के मसाले नहीं लेने आपने,
उन्हीं मसालों के अंदर इंशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्ती का बोटी बनेगी। हमने मटन में बनाया, आप चिकन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। ये मटन का टिक्का है, इसको हम सलाखों में भर कर रख रहे हैं। अभी भरने के बाद इसको हमने, मौसम बहुत अच्छा है आज, मौसम का एंजॉय कर रहे हैं, ज़बरदस्त मौसम में बारबेक्यू पार्टी। ये मटन बारबेक्यू बनाया है हमने, मसाला लगा कर जो रखा था, 5 घंटे के बाद इसको हम फ्राई बारबेक्यू करने लगे। अभी हमारे कोयले तैयार हो रहे हैं, जैसे बारबेक्यू के लिए कोयले रेडी हो जाएंगे हम बारबेक्यू शुरू कर देंगे। लो जी, कोयले हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम इसके ऊपर मटन बारबेक्यू रखेंगे, मटन टिक्का इसको रखेंगे, 7 से 8 मिनट एक साइड पकाएंगे और उसके बाद फिर 7 से 8 मिनट दूसरी साइड, और हमारा बारबेक्यू तैयार हो जाएगा। मटन बारबेक्यू बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मटन बारबेक्यू बहुत ज़बरदस्त मसाला लगा इसके अंदर और बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। मटन टिक्का बोटी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। अभी हमारे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए, साइड चेंज करनी है हमने, इसके बाद हमने इसकी, आज बड़ा मज़ा आएगा, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ हमने चिकन टिक्का बोटी भी बनाई है और बीफ कबाब भी बनाए हैं, तो इसको आज हमारी रेसिपी ये मटन बारबेक्यू की थी, मटन टिक्के की, वो आपके साथ लिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं। साइड हमने चेंज की है इसकी, अब 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पकेगी। ले जी, मटन बारबेक्यू टिक्का हमारा तैयार हो गया है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है, गोश्त भी सही गल गया है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत मज़ेदार, बहुत आसान रेसिपी है, आप अपने घर पर आराम से बना सकते हैं, इतना कोई ख़र्चा भी नहीं है इसमें, सिर्फ गोश्त लेना पड़ता है, बाकी मसाले तो घर में ही होते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। लो जी, अब इसको हम साइड पे कर रहे हैं, बारबेक्यू टिक्का हमारा तैयार हो गया मटन का, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, माशाल्लाह बोटी बहुत ज़बरदस्त गल गई है, टिक्का हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। मिलते हैं फिर अगली किसी और वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।